हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में अपने न्यू माइक की अनबॉक्सिंग करूँगी। हम इसकी वॉइस क्वालिटी को भी चेक करेंगे कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस माइक का नाम है लेवेलियर माइक और इसका मॉडल नंबर दिया है GL119। आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस, अब इस माइक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दिया है हाई फाई वॉइस है और इसकी क्लियर साउंड क्वालिटी है। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। इसमें स्ट्रॉन्ग एंटी इंटरफेरेंस है। सो गाइस, अब पीछे देखते हैं इस माइक पे क्या है। सो गाइस, इसमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, आपको दिखाती हूँ इसके कुछ फीचर्स। सो गाइस, इसमें लिखा है ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन है। हाई क्वालिटी माइक है जो कि इसे आप वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी लो हैंडलिंग नॉइज है, ईजी टू यूज़ है और इसके कुछ कंटेंट्स हैं। इसमें जो कंटेंट्स हैं, इसमें लिखा है लेपल क्लिप, फोम विंडस्क्रीन और पाउच। अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस भी दिए हैं। इसमें ट्रांसड्यूसर है, इलेक्ट्रिक कंडेंसर, पोलर पैटर्न है, ओमनी डायरेक्शनल। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 Hz to 16 kHz। इसकी ये सिग्नल नॉइज़ 58 dB तक की है इसकी, और सेंसिटिविटी है -34 ± 2 dB, और कनेक्टर इसमें 3.5 ox का है जो कि बात मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। और इसमें केबल लेंथ दी है 1.5 मीटर की केबल है इसकी, और इसका जो वेट है माइक का वो 25 ग्राम्स है, यानी कि 25 ग्राम का माइक है। सो गाइस, अब इस माइक की अनबॉक्सिंग करके देखेंगे कैसा है। सो गाइस, आप देख सकते हैं इसकी केबल दी है इसमें, और ये पूरा माइक आपका दिखता है, इस तरीके का कुछ माइक है ये। सो इसको ओपन करके देखते हैं किस तरीके का माइक है। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस जो वायर है इसका, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर की और 25 ग्राम का ही वेट है इस माइक का। और आप इसकी फोम चेक कर सकते हैं किस टाइप की है, और इसमें क्लिप लगी है इस तरीके की। काफ़ी ज़्यादा इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइस, अब मैं आपको अपने इसको अपने फ़ोन में कनेक्ट करके दिखाती हूँ और देखते हैं किस तरीके से काम करता है। A few moments later. सो गाइस, आप सुन सकते हैं जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो इसी माइक से रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आपको इसकी साउंड क्वालिटी का तो पता चल ही गया होगा। जैसे बोया का माइक होता है, उसमें काफ़ी सारे कंटेंट्स होते हैं और उसे यूज़ करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप बोया का माइक यूज़ ना करें, उसकी क्वालिटी तो आप जानते ही हैं, इस माइक से तो काफ़ी बेटर होती है। लेकिन आप अगर न्यू यूट्यूबर हैं तो आप इस माइक को भी यूज़ कर सकते हैं। और पहले मैं भी हेडफोन से रिकॉर्ड करती थी, आप देख सकते हैं ये मेरे हेडफोन्स हैं और ये तो मेरे एयरपॉड्स हैं। मेरे पास हेडफोन्स भी थे, मैं उससे भी रिकॉर्ड करती थी। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी बेटर क्वालिटी चाहिए तो आप इस माइक को रिकमेंड मैं आपको करूँगी, आप इस माइक को यूज़ कर सकते हैं। माइक की क्वालिटी मुझे हेडफोन की क्वालिटी से काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी। सो गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने मेरी ट्राइपॉड अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और गाइस, एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।